हर घर तिरंगा घर घर संविधान अभियान अंतर्गत जमियत उलमा ए हिंद संघटनेतर्फे सर्वधर्मीय तिरंगा एकता रॅली काढण्यात येणार आहे। हर घर तिरंगा घर घर संविधान या अभियानांतर्गत जमियत उलमा ए हिंद संघटनेतर्फे 15 ऑगस्ट रोजी सर्वधर्मीय तिरंगा एकता रॅली काढण्यात येणार आहे अशी माहिती संघटनेचे जिल्हा सरचिटणीस हसीब नदाब यांनी पत्रकार परिषदेत दिली। तिरंगा जो है एक प्रतीक है हमारी देश की अखंडता और एकता का, तो उस अखंडता और एकता का प्रतीक लेकर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान इस देश को दिया और फिर वो इस देश का संविधान बना हुआ है, तो अब देश के संविधान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक बात कही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को और संविधान को ज्यादा से ज्यादा आम सिटीजन्स तक पहुंचाना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इस बात को महसूस कर रहे हैं, तो हमने ये दो चीज़ों को कोलैबोरेट किया हुआ है, दो चीज़ों को हमने साथ में शामिल किया है। एक तो 15 अगस्त का दिन हमारे लिए आज़ादी का और स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए तिरंगा एकता रैली हो, और उसी के साथ में संविधान का महत्व क्या है और देश संविधान पर जो अब तक चल रहा है आगे उसको और मजबूती के साथ संविधान पर लाते हुए और संविधान में जो आम नागरिकों के मूलभूत अधिकार और उनके जो कर्तव्य बताए गए हैं उससे लोगों को जो है परिचित किया जाए, उसको अवेयर किया जाए, ताकि लोग अपनी ड्यूटी भी अदा करें और जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो मिले हुए हैं उसको गोया कि अपनाते हुए मुल्क की तरक्की और विकास में जो है अपना किरदार अदा करें, सहयोग दें। यही हमारी ये एकता रैली का जो है उद्देश्य है। या पत्रकार परिषदेस श्याम कदम, विष्णु गायकवाड़, बबलू गायकवाड़, मौलाना हरीस, ईशा ती आदिंची उपस्थिती होती।